मलकुआ के जंगल में हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस की सक्रियता में हथियारबंद कुख्यात नक्सली श्यामलाल जिंदा गिरफ्तार। लांजी पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक 14 लाख के इनामी हथियार बंद नक्सली को जिंदा गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से पिट्ठू बैग, खाद्य सामग्री, नक्सली साहित्य व पर्चे भी बरामद किए हैं। दरअसल जिले के लांजी थाना क्षेत्र के देवरबेली पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम मलकुआ के जंगल में 8 मार्च की तड़के पर एक बार फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों का आमना सामना हो गया, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस और हॉक फोर्स के जवान नक्सलियों पर भारी पड़े, जहां जवानों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए एक कुख्यात नक्सली श्यामलाल उर्फ मोतीराम सनकू जांग ध्रुवे उम्र 55 वर्ष निवासी कटेछरी मुरुम गांव तहसील धनोरा गढ़चिरौली महाराष्ट्र को जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं पुलिस को भारी पड़ता देख अन्य नक्सली पांव दबाते भाग निकले। दरअसल 6 मार्च पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मलकुआ चिलकोना के जंगल में टांडा एरिया कमेटी के नक्सली अपनी घुसपैठ जमाए हुए हैं, जहां इस सूचना पर उनकी धरपकड़ व घेराबंदी की कार्यवाही हेतु देवरबेली की हॉक फोर्स टीम को 3 दिवसीय सर्चिंग की कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था, जहां 8 मार्च की प्रातः करीब 6 से 7 बजे सर्चिंग के दौरान मलकुआ के जंगल में हथियार लैस कुछ नक्सली वर्दी में दिखाई दिए, जहां नक्सलियों ने खुद को पुलिस पार्टी से घिरता देख पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें नक्सली खुद को कमजोर पाते जंगल की ओर भाग निकले। इस घटना के बाद फरार हुए नक्सलियों का पीछा करने सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, जहां थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति पेड़ किनारे मिला, जिसे पकड़ा गया। वहीं तलाशी ली गई व पूछताछ की गई, जहां उसने अपना नाम श्यामलाल उर्फ मोतीराम सनकू बताया, जो टांडा दलम का सदस्य था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुरक्षा बलों की 5 टीम अलग अलग दिशा की ओर सर्चिंग पर निकली गई। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित व सीमावर्ती इलाकों में लगातार नक्सलियों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जहां इस तरह के घटनाक्रम से उनकी मौजूदगी का खुलासा होता है। पिछले कुछ दिन पूर्व ही नक्सलियों ने इसी क्षेत्र में एक वारदात को अंजाम दिया था, जहाँ हथियार बंद नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी थी। तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों का पुलिस से आमना सामना होने पर पुलिस पार्टी को सफलता पर सफलता हाथ लग रही है। तो वहीं नक्सलियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाल ही में जहां मंडला में पुलिस ने 2 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है, तो वहीं इसके पूर्व बालाघाट पुलिस जवानों ने बोरबंद के जंगल में 2 महिला नक्सली व मालखेड़ी के जंगल में 1 महिला नक्सली को मौत के घाट उतारने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद नक्सली कमांडर बादल को भी जिंदा पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की थी, जिसकी निशानदेही पर नक्सली डंप भी बरामद किए थे। 3 नक्सलियों की मौत व 2 नक्सलियों के जिंदा पकड़ने से नक्सलियों के मंसूबों पर बार बार पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं जंगलों में लगातार फोर्स के साथ सोर्स बढ़ने से नक्सली घिर रहे हैं। नक्सलियों को जिंदा पकड़ने में बादल के बाद श्यामलाल की गिरफ्तारी पुलिस की दूसरी बड़ी सफलता साबित हो रही है, जिससे पुलिस पार्टी का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार जंगलों में अपनी ताकत बढ़ाने पैट बढ़ा रहे नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। इससे बौखलाए नक्सली बड़ी वारदात की फिराक में अपने ठिकाने बदल रहे हैं। बहरहाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, जो पुलिस किसी भी समय नक्सलियों से निपटने के लिए तैयार होने का दावा कर रही है। नक्सलियों के हथियार सुधारने का काम करता था श्यामलाल पुलिस ने प्रथम दृष्टया या पूछताछ में यह जानकारी जुटाई है कि पुलिस की गिरफ्तारी में आया टांडा दलम का नक्सली श्यामलाल नक्सलियों के हथियार को सुधारने का कार्य करता था, जो नक्सली दमल के में सक्रिय था और नक्सलियों तक अनाज उपलब्ध कराने में पूरा सहयोग करता था।
इसने सूरज टेकाम के साथ भी दलम में कार्य किया है। पुलिस ने बताया कि इसे न्यायालय में पेश की रिमांड पर लिया जाएगा ताकि और भी मामले में पूछताछ की जा सके। इसकी निशानदेही में पुलिस को और भी सफलता मिल सकती है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। कुछ जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा भी सभी ज्वाइंट ऑपरेशन और सर्चिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जो आज की हमारी सफलता है वो आज सुबह से ही जो हमारी बेहद मोदी की हॉट पुलिस की पार्टी निकली हुई थी, मथुरा क्षेत्र का जो जंगल है उसके पास सुबह सुबह करीब 7 से 7:30 के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें कि क्योंकि इनका आमना सामना वहाँ पर उपस्थित जो डाटा दलम है और मलचखंड दलम है उसके नक्सलियों से हुआ। और इनफैक्ट जब ये लोग उस क्षेत्र में अपना सर्चिंग का अभियान कर रहे थे तभी जो नक्सल दलम की निगाह संभवतः इन पर पड़ गई और उनके द्वारा फायरिंग शुरू की गई और जवाबी फायर संतुलित जवाबी फायर फोर्स की टीम की तरफ से भी किया गया। परंतु करीब करीब 30 घंटे 45 मिनट रुक रुक के जो फायर होने के बाद जब फायरिंग रुकी तो उसके बाद आसपास का क्षेत्र सर्च भी किया गया। उसमें जो कुछ दूर में सर्च करने के बाद एक जो नक्सली हमारी गिरफ्त में आए हैं और उनकी पहचान जब बाद में हुई है तो उस पर पता चला है कि वो डाटा दलम के काफ़ी पुराने सदस्य हैं और श्यामलाल नाम उसका पता चला है। उसके ऊपर कुल मिला के 84 अपराध लगभग पंजीबद्ध हैं जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में तीनों राज्यों में मिलाकर कुल 14 लाख का इनाम भी इनके ऊपर है। और पिछले काफ़ी बड़ी बड़ी दुर्घटना की घटनाओं में भी इनका नाम क्लियर है और इनके ऊपर जो इनाम है वो इसी बात से ही क्लियर होता है जो हमारे पास 300 लोग के पिछले 8-10 साल में अपराध हैं। 2010 में जो आपके ध्यान में होगा कि हरिराम बाले जी जो शहीद हुए थे हमारे पुलिस फोर्स के जवान शहीद हुए थे उस घटना में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। साथ ही साथ और भी अन्य चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं जो इसमें इनके द्वारा जो क्योंकि इतना पुराने समय से आते थे जो नया कैडर छत्तीसगढ़ से आ रहा था या अन्य राज्यों से जिलों से आ रहा था उसको ही यहाँ पर लोकल गाइडेंस लोकल क्षेत्र का भाषा का ज्ञान देने में भी मदद करती है। इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। सर ये हथियार बनाए कभी क्या करते थे? ये ऐसा भी जानकारी प्राप्त हुई है, ऐसा हमारे पुराने कुछ जानकारियों में भी उल्लिखित है। ये हथियारों को सुधारने का काम जो नक्सल जिले के पास हथियार है उनको सुधारने का काम भी करती है। सर साथ में ये जो जो स्थिति अभी बन रही है घुसपैठ की जो स्थिति है इसको लेके क्या प्लानिंग है पुलिस ने बनाई है घुसपैठ को रोका जाए और उसको उनको जवाब दिया जाए? क्योंकि बड़ी वारदात को अंजाम के खिलाफ में बैठे हैं और बच्चों के माध्यम से भी जानकारी मिली हुई है कि कोई बड़ी वारदात करेंगे और बदला लेंगे। लगातार ये नक्सल दलाम जो पूरी आइडियोलॉजी है या उनका जो ग्राउंड लेवल पर जो कार्य कर रहे हैं वो पूरा उनका उद्देश्य यही है कि शासन के प्रति कैसे जो बोलने वाले हमारे कानून हैं हमारे बालाघाट के निवासी रहने उनको भड़काया जाए, किस तरह से विकास के कार्यों को रोककर वहां पर विकास ना पहुंचने दिया जाए शासन की योजना ना पहुंचने दी जाए ऐसा उनकी योजना है। परंतु आपने पिछले कई वर्षों में देखा भी होगा कि शासन प्रशासन लगातार अपनी जो विकासशील योजनाएँ हैं शिक्षा है स्वास्थ्य है और सभी चीज़ें गाँव वालों तक जो अपने सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में ही पुलिस भी उस भय के माहौल को दूर करते हुए विकास के कार्यों को गति देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है, खासकर जहाँ जिन क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियाँ बढ़ती हैं वहाँ पर हम लोग लगातार